हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, क्योंकि जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है वो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ स्टेम। इसके बारे में जितने भी कंसेप्ट, जितनी टाइप, जितनी भी टर्म्स थी बीएस लेवल पे, हम उसको सेपरेट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है स्टेम, कैरेक्टर ऑफ स्टेम का, उसमें हम देखेंगे स्टेम पर जो ब्रांचेज अराइज होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती है और कौन से मैनर्स में होती हैं, तो आज हम उसको कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग होती हैं वो दो मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन होते हैं डाइकोटोमस ब्रांच, नेक्स्ट वन है लेटरल ब्रांच। डाइकोटोमस से शोरा डायमेंस टू, यानी वो ब्रांच दो इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए और जो उनका ग्रोथ ऑफ रेट हो वो भी इक्वल हो, तो इस टाइप की जो ब्रांच होगी उसको हम कहेंगे डाइकोटोमस ब्रांच। नेक्स्ट है लेटरल ब्रांच। लेटरल नाम से शोर है, लेटरल मीन्स साइड, यानी वो ब्रांच जो स्टेम की साइड से अराइज हो तो उसे हम कहेंगे लेटरल ब्रांच, यानी वो आगे नेक्स्ट फर्दर वन किसी में डिवाइड ना हो तो इसको हम कहेंगे लेटरल ब्रांच। अगर हम इसका कंसेप्ट इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको एक ब्रांच नजर आ रही है जो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, फर्दर वन टू ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है। सेम एज इट अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये टू में डिवाइड होती नजर आ रही है, यानी वो ब्रांच जो फर्दर वन टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए, तो इस टाइप की जो ब्रांच को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांच। जो इस नीचे वाली डायग्राम में देखें तो इसमें आपको लेटरल बड, यानी लेटरल ब्रांच नजर आ रही है, जो यहाँ से आपको लेटरल ब्रांच राइज होगी, वन साइडेड होगी। तो सो हम अब इसको रीड करते हैं। इफ ए स्टेम डिवाइड्स एट इट अपेक्स इंटू टू ब्रांचेस विच ग्रो एट इक्वल रेट, ईच ऑफ देम डिवाइड इन द सेम मैनर, और हर जो फर्दर वन जो डिवाइड होती है ब्रांच वो मजीद आगे नेक्स्ट भी उसी मैनर में डिवाइड हो सेम एज इट, तो उस टाइप की जो ब्रांच उसको हम डाइकोटोमस ब्रांच कहेंगे। और इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्क्रू पाइन। उसके बाद लेटर ब्रांच की डेफिनेशन है, इफ द ब्रांच अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेम यूजुअली इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड लेटरल ब्रांच। ये आपको लीफ नजर आ रहा है और लीफ की एक्सिल से ही आपको एक लेटरल बार्ड यानी लेटरल ब्रांच शो होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेटरल ब्रांच। जो लेटरल ब्रांच होगी ना वो आपके सराउंडिंग में वो डिफरेंट फॉर्म में होगी, तो उसकी जो टाइप्स होंगी उसको हम कवर करते हैं। फर्स्ट वन है रेसिमोज। जब हम फैमिलीज को स्टार्ट करेंगे तो फैमिली से पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होगी जो हमें हेल्प आउट करेंगे फैमिलीज में, तो हम उसको कवर करेंगे। उसमें भी रेसिमोज, साइमोज, इनफ्लोरिसेंस का कंसेप्ट है, सेम इज इट, ये भी वही कंसेप्ट है लेकिन ये ब्रांच की केस में। तो इसमें क्या होता है, हम इसकी फर्स्ट वन डेफिनेशन को देखते हैं। द स्टेम कंटिन्यूज टू ग्रो एट इट अपेक्स एंड गिव अप लैटरल ब्रांचेस विच डू नॉट एक्सीड इन साइज। द ब्रांचेस आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल सक्सेशन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये रेसिमोज प्लांट नजर आ रहा है, रेसिमोज प्लांट नहीं, रेसिमोज ब्रांच नजर आ रही है। इसमें देखें आपको ये जो अपेक्स पे नजर आ रहा है ना, ये अपेक्स पे ये ग्रोथ ऐसे कंटिन्यू करती रहेगी, ये स्टॉप नहीं होगी, ये ऐसे कंटिन्यू करेगी। और ये अपने नीचे जो ये ब्रांचेस दे रही है, ये ब्रांचेस जो होंगे इसकी ज्यादा ग्रोथ शो नहीं होगी, ये थोड़ी सी ग्रोथ शो करेंगे वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। देखें ये आपको सारे इक्वल ग्रोथ के नजर आ रहे हैं और ये साइज में ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद एक टर्म यूज हुई है एक्रोपेटल सक्सेशन की। ये क्या होता है, यानी जो यंग ब्रांच होंगी वो ऊपर वाली साइड पे होंगी, जो ओल्ड ब्रांच होंगी वो यंग से नीचे वाली साइड पे होंगी, तो इस तरह की जो ब्रांचेज होंगी उसको हम कहेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है ब्रासिका एंड बोम्बैक्स। अगर हम इस डायग्राम में देखें अगेन तो इसमें आपको जो अपर वो जो ब्रांचेज नजर आ रहे हैं ये यंग हैं, जो न्यू अराइज हुई हैं, जो नीचे वाली हैं वो ओल्ड हैं, तो इसी वजह से इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो एक्रोपेटल सक्सेशन की करेंगे, यानी जो यंग ब्रांचेज होंगी वो अपर वाली साइड पे होंगी और जो ओल्डर होंगी वो लोअर वाली साइड पे होंगी। नेक्स्ट टाइप है साइमोज। अब साइमोज क्या होता है, यानी वो स्टेम जो ग्रो शो करती है जैसे वो लेटरल ब्रांचेज अराइज होती हैं उसे, तो जो मेन अपेक्स होता है, मेन शूट का जो टिप होती है जो ग्रो करती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। वो स्टॉप होने के बाद जो लेटरल ब्रांचेज देती है वो साइज में इंक्रीज होती है, साइज में इंक्रीज होने के बाद जब उनसे लेटरल ब्रांचेज अराइज होंगी तो वो जो मेन स्टेम जो राइज साइज में इंक्रीज हो रही थी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और मजीद लेटरल ब्रांचेज साइज में इंक्रीज होंगे। इस तरह की जो हमारे पास स्टेम की ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं साइमोज। तो सो हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द स्टेम स्टॉप्स इट्स ग्रोथ आफ्टर सम टाइम,
एंड गिव अप टू आर मोर मोर लेटर ब्रांचेस बिलो द एपिकल बड, यानी जो इसकी मेन ग्रोथ होती है इस टाइम की वो स्टॉप हो जाती है जब ये लेटर ब्रांचेस अराइज होती हैं। सेम एज इट अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये मेन स्टेम जो है ये अराइज होती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। जैसे ही इसकी जो ये लेटर ब्रांचेस शो हुई है, लेटर ब्रांच से क्या होगा, इसकी जो मेन शूट थी उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, वो लेटर की स्टार्ट हो गए, वो साइज में इंक्रीज हो गए हैं। जैसे ही लेटर ब्रांचेस मजीद अगेन इसकी लेटर ब्रांचेस शो होंगी तो वो उसका जो मेन अपेक्स होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी वो वहां पे सीज हो जाएगी, यानी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो इसको हम साइमोज कहेंगे। अब साइमोज की जो हमारे पास फॉर्म्स हैं वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट वन है यूनिपेरस, यूनि मीन्स वन, पेरस मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ब्रांच है। तो नेक्स्ट है बाई पेरस, उसके बाद है मल्टी पेरस। अब बाई पेरस मल्टी पेरस क्या होता है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको यूनिपेरस नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे प्लस जो स्टेम थी उसने ग्रो शो की, जैसे उन्हें लेटरल ब्रांचेस दी है तो इसकी जो ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई है। लेटर ब्रांच से यूनिपेरस इसलिए कहेंगे क्योंकि एक लेटर ब्रांच अराइज हुई है स्टेम से। नेक्स्ट वन, इससे एक लेटर ब्रांच अराइज हुई है। नेक्स्ट वन, इससे एक लेटर ब्रांच नजर आई है। एक से ज्यादा लेटर ब्रांच जब ना अराइज हो, एक हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे यूनिपेरस। उसके बाद टर्म है बाईपेरस। तो साफ जा रहा है जब दो लेटर ब्रांचेस अराइज हो तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाईपेरस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको बाईपेरस नजर आ रहा है, इसमें आपको टू ब्रांचेस अराइज होती हुई नजर आ रही है। फर्दर वन, जब इस ब्रांच से लेटर ब्रांचेस अराइज हुई हैं तो वो भी आपको टू नजर आ रही हैं, एज इट आप इसमें देखें, क्योंकि इसकी तो ग्रोथ स्टॉप हो गई। नेक्स्ट वन, इससे क्या होगा, इससे भी टू शो होगा और इसकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, इसको हम कहेंगे बाई पेरस। उसके बाद है मल्टी पेरस। मल्टी पेरस क्या होगा, इफ मोर देन टू ब्रांचेस आर गिवन आप, मोर देन टू ब्रांचेस जब अराइज हो तो उसका हम कहेंगे मल्टीपेरस। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत ज्यादा। तो इस डायग्राम में आपको मल्टीपेरस शो हो रहा है, देखिए काफी ज्यादा ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे मल्टीपेरस साइन। तो अब यूनिपेरस जो साइन था, यानी एक जो ब्रांच अराइज होती है, तो उसकी हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं, स्कॉर्पाइड एंड हेलिकॉइड। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पाइड और हेलिकॉइड क्या होते हैं। देखें अब थोड़ा सा कंसेप्ट को बाइंड करें, मुझे लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है। जो हमारे पास साइमोस है ना, उसकी जो मेन अपेक्स थी उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप होने जैसे ही होती है वो उस वक्त स्टॉप होगी जब वो लेटरल ब्रांच देगी। अब हम देखते हैं कि लेटरल ब्रांच की बेस पे इसकी टाइप्स को देखा है, अगर एक ब्रांच अराइज होगी तो हम कहेंगे ये यूनिपेरस है, अगर टू अराइज होगी कहेंगे ये बाईपेरस है, अगर यहाँ से काफी ज्यादा होंगी तो हमारे पास मल्टीपेरस है। सेम एज इट अगर हम देखेंगे कि सेम एज इट अगर इससे एक ब्रांच अराइज हो तो इस बेस पे देखेंगे कि इसकी कितनी फॉर्म्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है स्कॉर्पाइड ब्रांच। स्कॉर्पाइड ब्रांच क्या होता है, यानी जो लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी वो अल्टरनेट होंगी। अल्टरनेट कैसे मीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ब्रांच था, जैसे इसने लेटरल ब्रांचेस दी हैं तो इसकी जो ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई है और ये साइज में इंक्रीज हो गई है। तो अल्टरनेट कहेंगे कि एक इस साइड पे हुई है तो दूसरी जो अराइज होगी वो इस साइड पे होगी, इस साइड पे होगी, इस साइड पे होगी, नेक्स्ट वन इस साइड पे होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास ना ये zigzag बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्कॉर्पाइड ब्रांच। तो इसकी जो हमारे पास एग्जांपल वो है सोलानम निग्रम। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, व्हेन द लेटरल ब्रांच डिवेल्प्स ऑन अल्टरनेट साइड्स, यानी अपोजिट साइड दूसरी साइड पे, फॉर्मिंग ए zigzag अपीयरेंस इज कॉल्ड स्कॉर्पाइड। अगर हम इस डायग्राम में देखें जो ऑफिशियल इसकी डायग्राम है, तो इसमें आपको देखें एक ब्रांच नजर आ रही है, ब्रांच के बाद आपको एक इस साइड पे अराइज होती हुई नजर आ रही है, हत्या कि दूसरी इस साइड पे हो वो अल्टरनेट इस साइड पे होगी। तो सेम एज हमारे पास जो इस टाइप की जो ब्रांच होगी वो हम स्कॉर्पाइड कहेंगे। ये है यूनिपेरस क्योंकि इसमें से एक ब्रांच निकल रही है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है हेलिक्वाइड। अब हेलिक्वाइड क्या होता है, नाम से शोर है हेलिक्वाइड, क्वाइड मीन्स क्वाइल टाइप का। कोई भी चीज क्वाइल उस वक्त होती है जब वो एक ही मैनर में हो ना, एक ही मैनर में डिवाइड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाइल टाइप का। तो सो एज हम इसकी पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं, देन द मेन एक्सिस टू स्टॉप टू ग्रो आफ्टर गिविंग ए ब्रांच ऑन वन साइड विच फर्दर डिवाइड्स ऑन द सेम साइड ऑफ ब्रांच। मीन्स अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक ब्रांच है तो उसकी जो अपर जो सरफेस थी, जैसे उसने लेटर ब्रांचेस दी है तो उसकी स्टॉप जो ग्रोथ थी वो स्टॉप हो गई, ठीक हो गई, हमने इसको स्टडी कर रखा है। अब वो कह रहा है ऑन द सेम साइड फर्दर वो ब्रांच अराइज करे, इसी साइड पे ब्रांच अराइज हुई है, दूसरी सेम एज इट इसी साइड पे हुई है, नेक्स्ट वन फर्दर इस साइड पे हुई है, यानी अल्टरनेट फॉर्म में नहीं है। तो ये देखें ये आपको एक क्वाइल टाइप की बना रहे, ये सेम एज इट ये ऐसे क्वाइल टाइप की बना रहा है, जिसको हम कहेंगे हेलिक्वाइड।
जो इस टाइप की ब्रांच होगी उसको हम कहेंगे हेलिकॉइड ब्रांच। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है ग्रेपी वाइन। आज का लेक्चर हमारा लास्ट टॉपिक था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ स्टेम में, जिसमें हमने देखा कि स्टेम पे अब कौन सी डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेज लगती हैं, और फर्दर वाना हम उसकी टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स को कवर किया है। अगर आप इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी जो न्यू व्यूवर्स हैं आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमने पूरे जो BS या BSc का सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय टाटा।